Hello students, good afternoon, welcome to Earn Academy, India's largest online platform. Earn Academy में आपका स्वागत है. MP360 Earn Academy का चैनल है जिसमें आपको जेल प्रहारी एग्जाम्स का बैच कोर्स मिल रहा है. ये बैच कोर्स ऑलमोस्ट 1 month से चल रहा है जिसमें 1 PM आपका सेशन मैं लेती हूँ. मेरे नाम हेलेन मेंडोंजा है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ. 2 बजे पॉलिटी का सेशन है बाय नीरज पांडे सर, 3 PM मैथ्स बाय अजय सरकार सर, 4 PM MP बाय राजुल श्रीवास्तव मैम एंड 4 PM हिंदी बाय दिनेश ठाकुर सर. टॉकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में बात करेगा तो मैं एक दिल्ली बेस्ड एजुकेटर हूँ. दिल्ली का मुखर्जी नगर में मेरा ऑफलाइन सेंटर है और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा चुकी हूँ, लाइक SSC, बैंक PO, स्टेनो, CSAT. 15 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है. मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामा पढ़ाती हूँ, सिर्फ इंग्लिश ग्रामा एंड वोकैबुलरी, बिकॉज ये टॉपिक में मैं बहुत ही प्रोफिशिएंट हूँ. पिछले 15 साल से मैं इसको पढ़ा रही हूँ. तो आपको इंग्लिश ग्रामर एंड टेंसेस बिना कोई एरर से पढ़ना तो प्लीज़ आप मेरे पास आ जाइएगा. आज का हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज Day 4 है क्रैश कोर्स प्रोग्राम का, जिसमें हम टेंसेस का ऑलरेडी क्लासेस इस चैनल में MP360 में हो चुका है. ऑलराइट, अभी कुछ लोग लेट आ गए उनके लिए टेंसेस का अभी सेशन शुरू हो चुका है अर्न अकेडमी के ऐप पे, उधर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो टेंसेस का आज हम MCQs कर रहे हैं, राइट, एंड प्लस रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. तो कौन कौन ऑनलाइन है अभी इस समय, पूजा गुप्ता गुड आफ्टरनून, ऑलराइट, जय माथाती, गोलू गुड आफ्टरनून, टीना गुड आफ्टरनून, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, लेट गॉडेस आपका सारी विशेस पूरा करे, लेट्स प्रे फॉर दैट. गौरव गुड आफ्टरनून, शोभा हेलो, राइट, नो यू आर नॉट लेट, यू आर ऑन टाइम शोभा, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी शुरू कर रही हूँ. अर्न अकेडमी आपके लिए लेके आए हैं सब्सक्रिप्शन जिससे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलता है. आप इंडिया की टॉप एडुकेटर्स के साथ अपना क्लासेस ले सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. तो अभी अर्न अकेडमी का सब्सक्रिप्शन रेट्स कुछ ऐसा है, 6 months के लिए 7,200 rupees और 12 months के लिए 8,800 rupees, 24 months के लिए 12,800 rupees. इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल सकते हैं, यू कैन गेट 10% डिस्काउंट मिल सकते हैं. तो ये 10% डिस्काउंट के लिए आपको मेरा रेफरल कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. मेरा रेफरल कोड है, मेरा नाम ही है HELEN हेलेन. तो मेरा रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको 10% इधर डिस्काउंट मिल रहा है. ऑलराइट, तो अर्न अकेडमी प्राइस हाइक हुआ है, पर इसके साथ आपके लिए लेके आए हैं MPPSC एंड व्यापम के लिए एक ऑनलाइन मैगजीन जिसका नाम वर्चस्व है. तो ये पत्रिका जो है October 2020 बाग वन आपको मिल रहा है, ये प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्धि है. राइट, तो बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, 2 years ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बैच हम शुरू कर रहे हैं. तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 16th अक्टूबर एंड 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक भी आ रहा है और 10 months प्रीलिम्स एंड मेंस का बैच भी शुरू कर रहे हैं अर्न अकेडमी. साथ साथ MP का वेरियस एग्जाम्स, MPPSC प्रीलिम्स, MPSI, MPLI, MP पुलिस जेल प्रहारी, इनके लिए भी बैच कोर्सेस अनाउंस हो रहा है. ऑलराइट, चलो तो आज अर्न अकेडमी के ऐप पे आप मेरे क्लास फॉलो कर सकते हैं 7 PM. तो उसमें हम क्रैश कोर्स शुरू कर दिया है टेंस के लिए, तो उसका आज Day 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा. ऑलराइट, आई थिंक और भी स्टूडेंट्स आए हैं. साक्षी वेलकम टू द सेशन, ओके ग्रेट. तो जेल प्रहारी कोर्स का आज का कंटेंट जो है, आज Day 5 है जिसमें हम टेंसेस कर रहे हैं एंड टेंसेस का MCQs हम अभी करेंगे विद द एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के स्क्रीन पे है, लेट्स सी. स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन, एरर स्पॉट करना है. गुड आफ्टरनून तुलसीराम, वेलकम टू द सेशन. वी लर्न्ड एट स्कूल दैट द अर्थ वॉज नॉट फ्लैट बट राउंड लाइक अ बॉल. We learned at school that the earth was not flat but round like a ball. And D है no error. तो किस पार्ट में एरर है, कोई एरर आपको नहीं दिख रहा है तो आप D भी चूज कर सकते हैं, नो एरर भी चूज कर सकते हैं. ऑल राइट, तो नीतू त्रिपाठी स्टार्टेड गिविंग आंसर.
नीतू त्रिपाठी कह रहा है कि बी आंसर है, आई डोंट नो, आपको तैर करना है, अभी आपकी बारी है, पहले आप आंसर दे दीजिएगा। पूजा गुप्ता सेज बी, गौरव को भी बी लग रहा है, विमल सेज बी, ओके लेट्स सी, टीना पांडे सी लग रहा है। पूजा आई टोल्ड यू, आप प्लीज अभी क्या है एरर ये बताने से थोड़ा अपने आप को रोक दीजिएगा, सबको आंसर करने देते हैं उसके बाद, ओके चलो। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जो है इट इज अर्थ वॉज की जगह अर्थ इज आना चाहिए, कैसे, बिकॉज अर्थ फ्लैट नहीं है, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ भले ही ये कॉन्वर्सेशन हो चुका है, आप पढ़ चुके हैं, बट यूनिवर्सल ट्रूथ ऑलवेज किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट में, एग्जैक्टली यूनिवर्सल ट्रूथ आना चाहिए, ट्रूथ आना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, एग्जैक्टली। कांची वेलकम टू द सेशन बेटा, ओके तो अंडरस्टूड, तो अर्थ फ्लैट नहीं है ये बात जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, एंड यूनिवर्सल ट्रूथ किस में देंगे हम, सिंपल प्रेजेंट में, राइट। तो पहला क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट का है, आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं इसलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए। स्पॉट द एरर, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2 years, और डी नो एरर, इट इज डी राइट। तो ए में लिखा है वी हैव बीन लिविंग, बी में लिखा है इन दिस हाउस, सी में लिखा है सिंस 2 years, डी में लिखा है नो एरर, ऑल राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी प्रॉबेबल है कि बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और भी एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा चांस वाला सेंटेंस है, ओके। तो देखते हैं सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता है, ऐसा है कि मेरे क्लास में एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, राइट, दैट इज द पॉइंट ऑफ पुटिंग दिस क्वेश्चन। विमल, गोलू, नीतू, कांची, पूजा, टीना, गौरव, अलका सभी कह रहा है यस सी गलत, एग्जैक्टली देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कल भी ये बात हुआ हमारे, फोर और सिंस में क्या डिफरेंस है, तो फोर के साथ हम देते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना, ये फोर के साथ है, और सिंस के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम देते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब उसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो जैसे ही दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, I have been living in Spain for 6 years. I have been living in Spain since 2012. So since 2012, since क्या करते हैं 2012 से लेके, ये starting point है, कहां तक calculate करते हैं now, अब imagine करो now 2020 है, अब तक calculate करते हैं, right? 4 है तो वो पूरा 4-6 years duration को लेके चलता है। ये जो sentences हमने लिखा है इसका दोनों का मतलब same ही है, but हम दो अलग अलग structures use किया है। तो सिंस यूज किया तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ टाइम देंगे, और फोर यूज किया तो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम देंगे, ऑलराइट। चलो ये हम पढ़ चुके हैं, तो सीधा सीधा सिंस 2 years की जगह आपको यूज करना है 4-2 years। तो टेंस तो बिल्कुल सही है, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, है ना, फोर और सिंस देखेगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं एप्लीकेबल है तो प्रेजेंट परफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। By the time we got our tickets, by the time मतलब हिंदी में जब तक, ठीक है, yes, we got our ticket, the show dash, तो movie ticket लेने आप गए, जब तक आपको ticket मिल चुका था, the show, what is there, was already begun, already began, had already began, had already begun, what is the correct option? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट आंसर दीजिएगा। लक्ष्मी दामन गुड आफ्टरनून बेटा, ओके टेल मी क्या आना चाहिए, फाइन। टीना पांडे सेज ए, ओके सीबी कह रहा है मुझे मिक्स आंसर मिल रहा, तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है, जब तक हमें टिकट मिल चुका था तब तक मूवी शुरू हो चुका था, शो शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका था मतलब ये पहले शुरू हो गया उसके बाद आपको टिकट मिल गया,
तो पास्ट में दो, जब भी दो आंसर्स होता है फर्स्ट एक्शन के साथ हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं और दूसरे के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। तो इसमें पहला एक्शन क्या है, मूवी शुरू हो चुका था, जब तक आपको टिकट मिला मूवी शुरू हो चुका था, तो करेक्ट आंसर इज हैड ऑलरेडी बिगन। तो बहुत सारे लोगों ने सी भी आंसर दिया है इसलिए उनको कंफ्यूजन है, मैं इसको लिखना चाहती हूँ। बिगिन का क्या क्या डिफरेंट फॉर्म है, बिगिन और इसका पास्ट टेंस होगा बिगैन और इसका V3 होगा बिगन, बिगन। तो पास परफेक्ट लिखते हैं हैड प्लस V3। तो जिन्होंने सी आंसर दिया उनको याद रखना है V2 है, ये V2 है, ठीक है ना। तो बेसिकली कहना चाहते हैं जब भी हम बाय द टाइम यूज करते हैं, मैं इधर एक फॉर्मूला आपके लिए लिख सकती हूँ, जिनको ये रॉन्ग हो गया उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखती हूँ, बस उसको नोट कर लीजिएगा। तो बाय द टाइम के साथ, बाय द टाइम से लग के जो टेंस होगा, बाय द टाइम के साथ जो लग के टेंस है वो सिंबल पास्ट होगा, सिंबल पास्ट। और दूसरा पार्ट में जो है, जो मेन क्लॉज है दूसरा पार्ट है, उसमें ऑलवेज क्या आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट। ये आप फॉर्मूला की तरह याद कर लीजिएगा। बाय द टाइम का मतलब हो गया हिंदी में जब तक, बाय द टाइम एक कंजंक्शन, जिस टेंस बाय द टाइम से लग के है वो सिंबल पास्ट में होगा, और जिस टेंस जो दूसरा क्लॉज में, मेन क्लॉज में दूसरी सेंटेंस में आते हैं वो पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देती हूं, बाय द टाइम आई रीच्ड होम, जब तक मैं घर पहुंचाता, माय वाइफ हैड कुक्ड डिनर, My wife had cooked dinner. मैंने आपको पहले भी बताया था जो by the time से लग के जो tense है वो simple past में आएगा, right? और दूसरे में past perfect. इस sentence का मतलब क्या हो गया, जब तक मैं घर पहुंचाता मेरा बीवी खाना बना चुकी है। तो पहले खाना बन गया था, ये पहला एक्शन, उसके बाद अब घर पहुंच गए, ये दूसरा एक्शन, फर्स्ट एक्शन के साथ past of past, दूसरा एक्शन के साथ simple past. Is that clear? Give me a thumbs up. राइट, अदरवाइज यू कैन लाइक द सेशन ऑल्सो, लाइक तो नहीं बढ़ गया, राइट ओके, तो प्लीज लाइक द सेशन, यस फाइन, लर्निंग हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो बाय द टाइम वी गॉट अ टिकट्स द शो हैड ऑलरेडी बिगन, कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, देखो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का इधर कोई रोल नहीं है, वॉस प्लस V3 जो है ऑलवेज पैसिव वॉइस में आते हैं, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, और डी पार्ट में नो एरर, डी पार्ट नो एरर, ठीक है ना, आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, और डी इज नो एरर, ओके। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए, बहुत सिंपल दिखने वाला क्वेश्चन, बट क्या है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हम बताते हैं। इस क्वेश्चन देख के ऐसे लगता है इतनी छोटी सेंटेंस के अंदर एरर भी हो सकता है, बापरे, राइट। चलो आप लोग सही दिशा में आंसर दे रहा है, आप लोगों ने ए लिखा, तो प्रॉब्लम क्या है, देखो इंग्लिश में दो तरह की वर्ब होता है, एक तो हो गया नॉर्मल वर्ब्स, तो नॉर्मल वर्ब्स जो है नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्शंस को, कोई भी एक्शन जैसे वॉक, रन एक्सेट्रा, ठीक है। चलो अब ध्यान से इसको सुनो, एक्शन को, तो ये नॉर्मल वर्ब्स को हम पूरा 12 टेंसेस में दे सकते हैं, कोई भी 12 टेंसेस में आप दे सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फिर होता है कुछ वर्ब्स स्टेटिव वर्ब्स, और हम उसे नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स भी कहते हैं। तो नॉन कंटीन्यूअस वर्ब्स ज्यादातर जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें आप सिर्फ 6 टेंसेस में दे सकते हैं। कौन सी 6 टेंसेस, जिनके एंड में वर्ब प्लस आईएनजी नहीं है, क्योंकि उन टेंस का आईएनजी फॉर्म नहीं होता। तो प्रॉब्लम है कि नो जो है, अब आप मुझे बता दें, आप किसी को जानते हैं, ये नो एक्शन है या नो स्टेट है, आप किसी को जानते हैं ये एक्शन है या स्टेट है? बता दीजिएगा। आप जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मैं रोज आपके सामने आती हूँ तो आप पहचानते हैं मुझे, आप मुझे जानने लगे हैं, पिछले 2 महीने से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो किसी को जानना जो है एक्शन है या स्टेट है, बस बता दीजिए, स्टेट। लोकेंद्र एक्शन कुछ नहीं हो रहा, आप मुझे जानते हैं, इट इज अ स्टेट, ओके स्टेट। तो स्टेट है तो वर्ब हो गया नॉन कंटीन्यूअस,
स्टेट, वेरी गुड वेरी गुड, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, ठीक है। तो नॉन कंटिन्यूअस से तो नोइंग आईएनजी नहीं आ सकता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। तो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ, पहले इसका आंसर बताते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन तो लगा हुआ है ना। तो आंसर होगा आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, I have known him for 10 years. क्योंकि क्यों हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि नो आपका नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। और आप पूछेंगे मैम और कौन कौन सी वर्ब्स है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, देखो इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स डाला हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो वर्ब ऑफ सेंसेस है सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। आप जो वर्ब ऑफ परसेप्शन समझने की नो, रिमेंबर, फॉरगेट, रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, नोटिस, रियलाइज, सीम, साउंड, थिंक, इंक्लूड, मैटर, नीड, बिलोंग, ओन, अपियर, वांट, हैव। इमोशन वर्ब्स लाइव, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक, जॉय, ये सारे वर्ब्स नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स है। तो इन्हें उन टेंस में हम नहीं लिख सकते जिन टेंस के एंड में आईएनजी फॉर्म आते हैं, इसलिए तो इनके नाम नॉन कंटिन्यूअस है। ओके आरती, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो तो आई होप इट इज क्लियर। तो आपका आंसर है आई हैव, तो जैसे कि आपको एक सिंबल से इस क्वेश्चन के एक सिंबल का आंसर देती हूँ। जैसे हम ये नहीं लिख सकते हैं ना आई एम लविंग यू, ये गलत है ना, आई एम लविंग यू, क्योंकि लव इमोशन है, ये गलत है। इसलिए तो हम क्या लिखते हैं आई लव यू, इसलिए आई लव यू लिखते हैं। ऑलराइट, इमोशन वर्ब्स भी नॉन कंटिन्यूअस। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते अगले। सबको समझ में आए क्वेश्चन, किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है तो अभी यस गौरव को समझ में आ गया, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में लिख के, बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। फाइन, आई डैश माई एमएससी डिग्री इन 1988, तो इसमें क्या टेंस आएगा, ठीक है। ऑप्शंस आर आई गेट माई एमएससी डिग्री इन 1988, आई हैड गॉट माई एमएससी डिग्री इन 1988, आई गॉट माई एमएससी डिग्री इन 1988, आई हैव गॉट माई एमएससी डिग्री इन 1988। तो कौन सी टेंस आप यूज करोगे, देखो आपका ग्रेजुएट भी आपके सामने है। चल यस आई लाइक दैट, दैट्स करेक्ट गौरव, दैट्स फाइन। तो जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दे दो, ये बंदा मेरे सर के ऊपर काफी टाइम से कूद रहा है, ठीक है, इसको रोकना पड़ेगा। चलो तो हम एक रूल पढ़ा है इंग्लिश में, नो में आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं आता, दीर्घ का क्वेश्चन है बेटा। नो एक एक्शन नहीं है, नो एक स्टेट है। तो जो वर्ब स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें आईएनजी में नहीं लिख सकते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर का रूल है, ठीक है। इसलिए तो ठीक है, अभी हमारी सवाल क्या है, इधर आपका एक्शन कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड एक्शन है ना, आपको डिग्री मिल गया और आपने दे रखा है स्पेसिफिक टाइम, जाने वो कितना भी पुराना स्पेसिफिक टाइम हो, 2 साल पहले, 10 साल पहले, तो आपको एक ही टेंस यूज करना है, दैट इज सिंबल पास्ट, यू हैव टू यूज सिंबल पास्ट। यस यस नीतू, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आई गॉट माई एमएससी डिग्री इन 1988। अभी आप में कुछ लोगों ने ये दिमाग लगाते 1988 जो है पापा के टाइम के समय है, पुराना टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट लगा दो। नो 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 नो, याद रखना है जब भी आप स्पेसिफिक टाइम देते हैं, इस समय कितना पुरा है, पुराना है, कितना रीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेसिफिक टाइम है ना, तो स्पेसिफिक टाइम के साथ आप क्या दोगे, सिंबल पास्ट। टीना रिकॉग्नाइजिंग तो कहते हैं मैम, और मैम लविंग इट बी स्लोगन, बेटा स्लोगन्स जो कि है जब हम पंचलाइन लिखते हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं फॉलो करते, जो हम अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में करते हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मल रूल्स है। अब अमेरिकन इंग्लिश में जब कोई कहते हैं आई एम लविंग इट, उनको उनसे प्यार नहीं है, इसका मतलब आई एम एंजॉइंग इट, ये अमेरिकन इंग्लिश का रूल है जो कि आपका एग्जामिनेशन में फॉलोड नहीं है। तो एग्जामिनेशन में जब आप लव और लाइक इन वर्ब्स आपको आता है, आप उसे नॉन कंटिन्यूअस ही मानेंगे, नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इन वर्ब्स आर नॉन, जो वर्ब्स मैंने आपको अभी दिखाया वो नॉन कंटिन्यूअस है। देखो स्पोकन इंग्लिश में हम भले जो भी करें तो फॉर्मल में आके देर आर सर्टेन रूल्स, हमें उसे फॉलो करना है। ओके चलो,
फाइन, तो करेक्ट आंसर आई गॉट माय एमएससी डिग्री इन 1988. चल, इज द यस नीतू, आई टोल्ड यू आई एम लविंग इट, मतलब आई एम एंजॉयिंग इट है, दैट इज इन अमेरिकन इंग्लिश, बट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लव लाइक को आप नॉन कंटिन्यूसली मानोगे, ठीक है, ग्रेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश टिल 10 o'clock व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. He dashed till 10 o'clock when he was a child. So, ye fill in the blanks. Options are, he uses to study, he will study, he studies, he used to study. The options aapke saamne hain. Right? He dashed till 10 o'clock when he was a child. He uses to study, he will study, he studies and he used to study. Chalo. ओके, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा. लक्ष्मी थॉमस सेज डी, गोलू चौहान को भी डी लग रहा है. आज पीकू नहीं आया क्लास में. विमल कह रहा कि डी, दीर कह रहा कि डी. ओके गौरव, टिल के साथ परफेक्ट आता है. ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर, तो बेसिकली ये व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ये करता था कब, ये पास्ट का हैबिट है. तो पास्ट का हैबिट के लिए, पास्ट में जब हम हैबिट लिखते हैं दो टेंसेस लगा सकते हैं. एक तो आप सिंबल पास्ट दे सकते हो जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, अदरवाइज आप दे सकते हैं यूज टू प्लस वी वन. तो जब भी किसी का पास्ट का हैबिट बताना है तो ये दो स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो यूज टू प्लस वी वन, यूज टू प्लस वी वन यूज करते हैं. वी यूज द स्ट्रक्चर यूज टू टू डू समथिंग व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग वी डिड रेगुलरली इन द पास्ट. तो पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, बट डू नॉट डू इट नाउ, अभी नहीं करते. जैसे आपके क्वेश्चन में वो बचपन में करता था, ही यूज टू गो टू आर स्कूल, वो हमारे स्कूल में जाता था. शी यूज टू बी ओवरवेट बट बिकेम अ मॉडल लास्ट ईयर, पहले ओवरवेट होता करता था, अभी नहीं. तो ये पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, यस, पास्ट ऑप्शन में है नहीं तो वील गो विथ यूज टू प्लस स्टडी, ये सही है. ऑल राइट, चलो, तो करेक्ट आंसर डी है, आप लोगों ने भी सही दिया है, वेरी गुड. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ. इज दैट क्लियर, एवरीथिंग क्लियर? चलो, स्पॉट द एरर. आई शैल सर्टेनली, नहीं गौरव, वो बी यूज टू के साथ, बी यूज टू के साथ जरेंड आ सकता है. और ये बी यूज टू मतलब आई एम यूज टू, आई एम यूज टू होता तो आगे वर्ब प्लस आई एन जी आ सकते हैं. ठीक है, सिर्फ यूज टू के साथ वी वन आता है एंड गेट यूज टू के साथ बी वर्ब प्लस आई एन जी आ सकते हैं. वो दोनों फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, बट यूज टू के साथ वी वन आता है. इज दैट क्लियर बेटा? चलो, हाँ, वो गोलू देखो, जो आपने देखा है, एक तो ये होता है आई यूज टू ड्राइव, ठीक है, ये यूज टू है. ठीक है, ये क्वेश्चन के पहले इनकी डाउट थोड़ा क्लियर करते हैं. बट आप कहेंगे आई एम यूज टू ड्राइविंग, आई एम यूज टू ड्राइविंग, और आई गॉट यूज टू, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसके साथ भी आप आई एन जी यूज करते हैं, ठीक है ना. बट सिंबल ड्राइविंग आया, सॉरी सिंबल यूज टू आया तो इसके साथ ड्राइव आएगा. इज दैट क्लियर? तो बस आपको याद रखना है बी यूज टू और गेट यूज टू के बाद जरेंड आ सकते हैं. फाइन, बहुत बढ़िया. चलो, इज योर डाउट सॉल्व? आपका डाउट सॉल्व हो गया बेटा. चलो, नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर. आई शैल सर्टनली इन्फॉर्म यू व्हेन आई शैल रीच न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली का पिक्चर भी डाला है, किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. व्हाट इज एरर, व्हाट इज एरर, सी वाला में. यस यस यस, तो हमने एक रूल पढ़ा है, जब हम टाइम क्लॉज यूज करते हैं, तो टाइम क्लॉज में बेसिकली होता है टाइम कंजंक्शन. तो टाइम कंजंक्शंस कौन कौन सी है, टाइम कंजंक्शन कौन कौन सी है? मैं आपको बताती हूं. जैसे व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, एज सून एज, बाय द टाइम. तो इनके साथ हम सिंबल फ्यूचर नहीं दे सकते हैं. सिंबल फ्यूचर एक रूल है, मैंने आपको टेंस में पढ़ा है, जहां सिंबल फ्यूचर आता है वो काट के आप उसे सिंबल प्रेजेंट बना दोगे. ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है. क्या रूल है?
टाइम क्लॉज यानी टाइम कंजंक्शन व्हेन व्हाइल आफ्टर बिफोर इनके साथ सिंबल फ्यूचर नहीं दे सकते, इसकी जगह आप सिंबल प्रेजेंट दोगे। यस यस, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने देख लिया है, आंसर दे दिया है। व्हेन आई शैल रीच की जगह आपको लिखना है आई शैल सर्टनली इन्फॉर्म यू व्हेन आई रीच न्यू दिल्ली। तो इज दैट क्लियर? यस। तो सी आंसर दिया है, जिन्होंने बी आंसर दिया बस समझ लीजिएगा रूल को, ठीक है? बस यस गौरव, जहां सिम देखो ये रूल फ्यूचर का सारी टेंस में इट इज अलाउड है। देखो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब आता है तो सिंबल फ्यूचर सिंबल प्रेजेंट बन जाएगा। तो इसका एक्सटेंशन और भी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट बन जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाते हैं। हमें इतनी डीपली क्वेश्चन को करना नहीं है, जिस लेवल आपके एग्जाम में आता है विल फॉलो दैट, ठीक है? तो वाइल के साथ कभी कई बार क्या कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब आ सकता है, तो सिंबल प्रेजेंट को सिंबल फ्यूचर को सिंबल प्रेजेंट कर देंगे। ऑलराइट गौरव, चल मूविंग ऑन टू इसी 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 रूल पे क्वेश्चन है। ध्यान से, ही विल रीच होम बिफोर द सन, ही विल रीच होम बिफोर द सन ऑप्शन सेट सेट्स विल सेट हैव सेट, व्हाट इज करेक्ट? He will reach home before the sun set, sets, will set, have set. बस आंसर दे दीजिएगा गौरव, ए बी सी डी जो भी आंसर दे दीजिएगा, हम डिस्कस इसके बात करते ताकि एवरीबडी गेट अ चांस टू डिस्कस, है ना? तो वॉट इज करेक्ट? विमल सेज ए, ओके। पूजा गुप्ता सेज ए, ओके फाइन। तो अभी अभी रूल लिखा है, रूल तो आपको पता है, भले ये एक्शन फ्यूचर में होने वाला है, बिफोर के साथ हम सिंबल फ्यूचर नहीं दे सकते, है ना? तो ये सिंबल फ्यूचर चेंज होके क्या बन जाएंगे? सिंबल प्रेजेंट बन जाएंगे, इजंट इट? सिंबल फ्यूचर सिंबल प्रेजेंट बन जाएंगे, ठीक है? तो अब इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन चला गया, राइट? ये दोनों ऑप्शन चला गया, विल सेट और हैव सेट दोनों ऑप्शन चला गया। तो ठीक है, फिर हमें पता है जो सन जो है हमारे क्या है, सिंगुलर, सन सिंगुलर है ना, तो सन सिंगुलर है तो आप बता दो सेट कैसे हो सकता है, सेट्स होना चाहिए, है ना? सन सिंगुलर है तो इसलिए सेट्स होना चाहिए। तो बस आपको याद रखना है सन सेट होते तक वो घर पहुंच जाएगा। अभी सन सेट होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, बट फ्यूचर तो नहीं लिख सकते, इसलिए किस में आएगा? प्रेजेंट में, ओके? एंड सन सिंगुलर है तो सेट्स आएगा। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई डैश हियर सिंस 1980, वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है, सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है? आई एम लिविंग हियर सिंस 1980, आई लिव्ड हियर सिंस 1980, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980, आई वॉज लिविंग हियर सिंस 1980। तो आराम से आंसर कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन एवरीबॉडी शुड नो, सबको पता होना चाहिए, ओके? जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर दे दीजिएगा। सी, जब आपको एग्जामिनेशन में सिंस और फोर दिखते हैं, आपके मन में दो टेंसेस आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, बस ये दोनों टेंस आना चाहिए, बस यही आता है, ठीक है ना? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये भी नहीं आएगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, 1980 से अब तक रह रहा है, यस परफेक्ट में जाएगा, तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1918, इस सेंटेंस का मतलब है 1980 से हम इधर रह रहा है, हम इधर रह रहा है, ठीक है? चलो ये इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है? अभी किसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिक्कत है तो प्लीज आज 7 PM अर्न एकेडमी के ऐप पे आ जाइएगा, फ्री क्लास है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस करने वाले हैं। तो अर्न एकेडमी ऐप पे सेशन है 7 PM को। ऑलराइट,
ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन है. आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैज डन द प्रीवियस डे. डी नो एरर, ए पार्ट में लिखा है आई आस्क्ड हिम, बी पार्ट में लिखा है व्हाट ही हैज डन, सी पार्ट में लिखा है द प्रीवियस डे, एंड डी पार्ट में नो एरर. गाइस आपने लाइक नहीं किया है, आई एम लिटिल वरीड. चलो आंसर देने के बाद लाइक कर दीजिएगा. गोलू चौहान कह रहा कि बी नीतू त्रिपाठी बी, आई हैव नो आइडिया क्या आंसर है. पहले आप आंसर दोगे, बस एबीसीडी ऑप्शन में आंसर दे दीजिएगा. ओके, पूजा गुप्ता सेज बी, तो एरर है क्या, व्हाट इज द एरर. देखो आई आस्क्ड हिम, हमें पता है दिस इज किस पार्ट है, नरेशन, और इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. तो इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का कोई भी टेंस नहीं इस्तेमाल होगा. प्रेजेंट का चार टेंस है, वो सारे चेंज होके पास्ट बन जाते हैं. जैसे आपको पता है प्रेजेंट सिंबल है तो वो पास्ट सिंबल हो जाते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वो क्या बन जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस हो जाते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट है वो बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट. ठीक है, तो टेंस चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में सारी टेंसेस चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना, तो इस सेंटेंस में हैज डन की जगह नरेशन है तो हैड डन होगा. ठीक हैज डन की जगह इट इज हैड डन, क्योंकि नरेशन में प्रेजेंट की सारे टेंस पास्ट हो जाएगा. ठीक है, यस गौरव यू सेड सही है, धीर का भी आंसर सही है. राइट राइट, प्रीवियस डे यस्टरडे के साथ सिंपल पास्ट यूज किया है, बट वो प्रीवियस डे बन जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. अच्छा, गोलू की तरफ से रिवॉर्ड है, मेरी तरफ से कोई रिवॉर्ड नहीं है. गोलू कुछ रिवॉर्ड की बात कर रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी. द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी. ऑप्शंस देखते हैं. वी हैड टू गेट अ टैक्सी, वी हैव टू गेट अ टैक्सी, वी विल गेट अ टैक्सी, वी आर टू गेट अ टैक्सी. तो गाड़ी खराब हो गया आपके सामने है, गाड़ी खराब हो गया तो आपको टैक्सी के साथ आप कौन सी वर्ब लगाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा. ठीक है, तो विमल गेव द आंसर फर्स्ट हियर, नीतू त्रिपाठी भी दिया, गौरव भी कह रहा कि आंसर ए है. ओके आई डोंट नो, ऋषि मीना ए, ओके शोभा ए. सी कार ब्रोक डाउन, ये पार्ट कह रहा कि ये पास्ट. तो देखो जब हम एंड से दो वर्ब्स कनेक्ट करते हैं तो ये पास्ट में है, तो ऑब्वियसली ये भी किस में आना चाहिए, पास्ट में ही होना चाहिए. ठीक है ना, तो द कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू मतलब पास्ट है, हैड टू मतलब हमें लेना पड़ा, हमें टैक्सी बुलाना पड़ा, हमें बुलाने की जरूरत हो गया. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस है तो ये भी आएगा. ठीक है करेक्ट, तो गोलू अपना प्राइस दे दीजिएगा जिसको भी. मैंने कुछ ऑफर नहीं किया, गोलू ने ऑफर किया, तो रिसिपिएंट गोलू से ले लीजिएगा. ऑलराइट ओके, कांजी करेक्ट आंसर, साक्षी करेक्ट, ओके वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल, फोकस ऑन द स्क्रीन. स्पॉट द एरर, शी डिड नॉट कुक हर ब्रेकफास्ट येट. ऑप्शन ए शी डिड नॉट, राइट ओके. ऑप्शन बी कुक हर ब्रेकफास्ट, और ऑप्शन सी येट. फाइन, तो इस क्वेश्चन में डिवाइड करने में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हुआ है. एनी हाउ आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन, इसका डिविजन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है. एनी हाउ चलो, पूजा सेज ए, आरती गुजर सेज ए, ओके धीर को भी ए लग रहा है. ए में क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें यूज क्या है येट, येट का मतलब क्या हो गया, यस उसकी डिविजन में थोड़ा दिक्कत हो गया, नो वरीज. येट का मतलब है अब तक, तो याद रखना है येट के साथ हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, तो इस सेंटेंस में थोड़ा डिविजन में टाइपिंग एरर आ गया है, तो नो प्रॉब्लम. तो डिड नॉट कुक की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, शी हैज नॉट कुक्ड, शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट.
परफेक्ट में रहता। शी अभी इस स्क्रीन पे आप देखिएगा तो इट्स परफेक्टली डन। तो डिड नॉट कुक की जगह क्या लिखना चाहिए? हैज नॉट कुक्ड। तो जिनको डाउट है इसका मीनिंग समझ लीजिएगा, येट मतलब अब तक, येट का मीनिंग क्या है? अब तक। और येट के साथ नॉर्मली हम क्या लगाते हैं? एट के साथ लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, येट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। ऑलराइट, चलो तो हैज नॉट कुक्ड होना चाहिए। ओके, तो जिनका लर्निंग हुआ बुक में ये रूल होना चाहिए, ठीक है? ओके, तो शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट, शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट येट। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिखने वाली क्वेश्चन है, ठीक है? कई बार क्वेश्चन का लेंथ से आप परेशान हो जाते हैं, डोंट वरी। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन दैन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। तो नो सूनर डिड इज द फर्स्ट पार्ट, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इज द सेकेंड पार्ट, दैन द पैसेंजर थर्ड पार्ट, रश्ड टुवर्ड्स इट फोर्थ पार्ट, एंड द फिफ्थ पार्ट इज नो एरर। तो कौन सी पार्ट में एरर है? वेरी सिंपल सी क्वेश्चन है, बट जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ओके, प्लीज पॉइंट आउट द एरर क्या है ताकि सबको ये समझ में आ जाए। बस एरर किस पार्ट में, ए बी सी डी ए बता दीजिएगा, बाकी वालों को भी सोचने दे दीजिएगा। पूजा, मैंने आपसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, प्लीज। ओके, तो व्हाट इज द एरर? एरर इज इन सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या एरर है? लेट्स सी, सेकंड पार्ट में द ट्रेन अराइव्ड की जगह ट्रेन अराइव होना चाहिए। देखो, जब हमने पढ़ा कि नो सूनर एक नेगेटिव एडवर्ब है, ठीक है, तो नो सूनर आगे लगा दिया तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्शन होता है, वो भी सही है। तो नो सूनर के साथ डिड लगता है, वो भी सही है। डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा जो आपके सेंटेंस में ट्रेन है, बट डिड के बाद जो मेन वर्ब आता है वो किस में? आपके इधर मेन वर्ब देना है, वो मेन वर्ब ऑलवेज वी वन में आता है, ये बात हम कर चुके हैं ना। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड की जगह आपको यूज करना है नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन दैन द पैसेंजर्स रश टुवर्ड्स इट, ठीक है? नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड की जगह आपको अराइव यूज करना है। ओके, ग्रेट। चलो, तो करेक्ट आंसर जो है बी, राइट? तो दैट इज बी। ऑल राइट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया, वेरी गुड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले आंसर बताने लगा बाकी वालों को टाइम लगता है, एवरीबॉडी इज नॉट ऑफ सेम पेस, है ना? तो सबका मौका दे दीजिएगा। तो बस आपको जहां लगता है वही पार्ट बता दीजिएगा ताकि सबको सोचने में थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर। द प्रोग्राम विच ए पार्ट came on television, B part, these days in the evening, C part, is very interesting, D part, or no error, E part, okay? तो different ये question, मैंने आपके लिए एक program भी डाला है, the program which, तो ये हमारी TV में ऐसा program आता है, all right? चलो, let's see, options क्या है? The program which came on television these days in the evenings is very interesting. Tell me which part has the error. तो A part में लिखा है the program which, B part में लिखा है came on television, C part में लिखा है these days in the evenings, और D part में लिखा है is very interesting, और E part है no error. तो कहाँ error है? तो ओके, मोस्ट ऑफ यू लिखा है बी बी बी, मैम बी में एरर है। तो बी में क्या एरर है? देखो, इसमें जो कीवर्ड है दीज डेज, तो मैंने आपको बताया था जब हम दीज डेज कहते हैं, दीज डेज जो है इट इज फॉर अ टेम्पररी एक्शन, इन दिनों की बात हो रहा है, टेम्पररी एक्शन। तो टेम्पररी एक्शन के साथ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस देना है, दीज डेज इन दिनों में चल रहा है। तो
तो करेक्ट आंसर जो है केम की जगह आपको क्या लिखना है, द प्रोग्राम विच इज कमिंग ऑन टेलीविजन दीज डेज इज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग. क्यों दीज डेज मतलब नवे डेज, इन दिनों में, दीज डेज का मतलब हो गया नवे डेज. ओके तो इज कमिंग ऑन टेलीविजन इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है चलो तो लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं. स्पॉट द एरर. एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, एज सून एज द सीईओ, ये भी थोड़ा लंगती वाला क्वेश्चन है. ओके तो एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, द राइट ए पार्ट, यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम, दिस इज बी पार्ट, एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, दैट इज सी पार्ट, एंड डी पार्ट इज नो एरर. तो विच पार्ट हैज एरर, तो आराम से देख के बता दीजिएगा कौन सी पार्ट में एरर है. एज सून एज द सीईओ एंटर द ऑफिस, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर टू हिम, ए बी सी डी, कौन सी पार्ट में एरर है, व्हाट इज एरर, आप वो बाद में बता देंगे, बस किस पार्ट में एरर है बता दीजिएगा. ओके चलो अभी आप देखो एज सून एज के साथ एंटर्ड यूज किया, बढ़िया, पास्ट में यूज किया. उसके बाद एंड से हमने दो वर्ब्स कनेक्ट किया है, एक वर्ब है अप्रोच्ड, दूसरा वर्ब है रिपोर्ट. क्या आपको सही लगता है? अभी अभी मैंने आपको क्या रूल बताया था, एंड के साथ जब हम दो वर्ब्स यूज करते हैं, वर्ब वन एंड वर्ब टू, नॉर्मली वो सेम टेंस में रहता है, सेम टेंस में. तो अप्रोच्ड पास्ट टेंस है, तो रिपोर्ट भी पास्ट टेंस में ही जाएगा. तो द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, अप्रोच्ड एंड, यस सेम टेंस एंड के साथ. वेरी करेक्ट नीतू, बहुत बढ़िया. ठीक है तो करेक्ट आंसर कौन सी है, विच पार्ट हैज एरर, सी पार्ट हैज एरर, सी पार्ट. ठीक है ना, तो सी पार्ट में एरर है. सी पार्ट में क्या चेंज करना है, टेंस चेंज करना है. ठीक है, एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, द यूनियन लीडर्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्टेड द मैटर टू हिम. यस, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में. ठीक है, इसका याद रखना. तो क्या किस टाइप के क्वेश्चन है, एंड होगा, उसके दोनों साइड में वर्ब्स होगा और दोनों वर्ब सेम टेंस में होना चाहिए. यस आपका करेक्ट है, ऋषि का करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का करेक्ट है. आई एम सेंडिंग द क्लैप राइट अवे. ग्रेट, रिपोर्टेड, यस धीर, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सेट आई डैश यूज इज कार वेन एवर आई वॉन्ट इट. ही सेट आई डैश यूज इज कार वेन एवर आई वॉन्ट इट. ऑप्शन देखते हैं. ही विल यूज इज, आई विल यूज इज कार, आई वुड यूज इज कार, आई कुड यूज इज कार, आई कैन यूज इज कार वेन एवर आई वॉन्ट इट. यस बिमल, वेरी गुड. तो क्या आना चाहिए, विच टेंस आर यू गोइंग टू यूज, विच मॉडल वर्ब, एक्चुअली कुछ मॉडल वर्ब्स यूज किया, विल, कुड, कैन, वुड, है ना, तो इनमें से कौन सी आप यूज करोगे मॉडल वर्ब. ही सेड आई डैश यूज हिज कार व्हेनेवर आई वॉन्ट इट. गिव द आंसर फास्ट, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी. गौरव सेज कुड, नीतू सेज कैन, ऋषि सेज सी. ओके चलो ग्रेट. तो आप इस सेंटेंस को देखना है, आपकी सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में, इज द सेंटेंस, सवाल है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है या आपका सेंटेंस पास्ट में. जल्दी जल्दी बता दो, प्रेजेंट में सेंटेंस है, पास्ट में सेंटेंस है. वेरी सिंपल, द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस. आपको कहां से पता चला, देखो सेड से पता चला, आपको वॉन्टेड से पता चला, इनसे आपको पता चला पास्ट टेंस. पास्ट टेंस से तो विल नहीं आ सकता और कैन भी नहीं आ सकता. फिर इस सेंटेंस का मतलब आप यूज कर सकते हैं, राइट, कर सकते थे, जो भी हो, ये पास्ट, पास्ट में एबिलिटी के लिए, या आप क्या यूज करेंगे, कुड, यस पास्ट. तो इसलिए क्या आना चाहिए, कुड. ही सेड आई कुड यूज, वैसे भी नरेशन है, ही सेड वाला शो करता है नरेशन. तो नरेशन में जो कैन है वो क्या बन जाते हैं, कुड बन जाते हैं, यस सेड से. यस अदिति, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, राइट, यस सेंटेंस पास्ट में है तो कुड होगा. यस वुड, वुड विल का पास्ट टेंस है, तो विल हम यूज करते हैं ऐसे कुछ होने वाला है, तो ये आप कर सकते हैं, तो कैन है, तो कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा. ओके वेरी गुड, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे.
ही वॉज वॉचिंग टी वी वेन हिज फ्रेंड ऑप्शंस आर व्हेन हिज फ्रेंड हैज अराइव्ड व्हेन हिज फ्रेंड हैड अराइव्ड व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड एंड व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्स He was watching TV when his friend has arrived, had arrived, symbol arrived, yeah, arrives. Tell me. This sentence का मतलब वो TV देख रहा था जब उसका दोस्त आया था तो वो TV देख रहा था. Okay, तो हमने ये रूल पढ़ा था जब पास्ट में एक लंबा एक्शन हो रहा था तो ये लंबा एक्शन पास्ट कंटिन्यूअस में देंगे आप क्योंकि ये लॉन्गर एक्शन है. उसके बीच में जब कुछ होता है ये जो है किस में आता है सिंबल पास्ट में. ये किस में आता है सिंबल पास्ट में. तो सिंबल पास्ट में आना तो क्या आना आएगा ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड. ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हिज फ्रेंड अराइव्ड. एग्जैक्टली आप लोगों ने सही आंसर दिया बिल्कुल बढ़िया. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर द डे फिर हम वाइंड अप करते हैं. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच द स्टेशन. ओके नाउ टेल मी इसमें कौन से आएगा. ऑप्शंस आर बिफोर ही विल रीच द स्टेशन बिफोर ही रीच द स्टेशन और बिफोर ही रीचेज द स्टेशन और नो इम्प्रूवमेंट. सेंटेंस का मीनिंग क्या है. ऋषि किसका एग्जाम्पल चाहिए बेटा. पीछे वाला क्वेश्चन का एग्जाम्पल या वन मोर क्वेश्चन क्या चाहिए आपको. नो नो गौरव आपका ऑप्शन वो गलत है. देखो लास्ट क्वेश्चन का एग्जाम्पल है तो ऋषि मैं आपको बताती लास्ट क्वेश्चन. गाइस प्लीज एक मिनट ऋषि लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मैं इसको एक और बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. देखो जब कोई लंबा एक्शन पास्ट में चल रहा और उसके बीच में कुछ होता तो ये लंबा एक्शन जो है किस में आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में. फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे आई वॉज स्टडींग मैं पढ़ रहा था तो बीच में क्या हुआ है आपका दोस्त ने आपको कॉल किया व्हेन ही. तो ये जो बीच में जो होता है ना उसके साथ ऋषि हम यूज करते हैं सिंबल पास्ट. तो आप लिखेंगे आई वॉज स्टडींग व्हेन ही कॉल्ड मी व्हेन ही कॉल्ड मी. सी तो स्टडींग आपका लंबा एक्शन था उसके बीच में एक छोटा एक्शन हुआ दोस्त का कॉल आ गया तो वो जो छोटा एक्शन सिंबल पास्ट में आता है. जैसे इधर आदमी टीवी देख रहा था ये टीवी देखना क्या था ये लॉन्गर एक्शन है. तो बीच में क्या हुआ बीच में उसका दोस्त आ गया तो ये तो इंटरप्शन ये छोटा एक्शन है तो ये शॉर्ट एक्शन है. तो ये शॉर्ट एक्शन के साथ हम क्या देंगे ऋषि सिंबल पास्ट. इज दैट क्लियर बेटा. ठीक है और मैं कहूंगी देखो आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रही थी व्हेन ऋषि आस्क्ड अ क्वेश्चन. मैं पढ़ा रही थी तभी तो ऋषि ने एक सवाल पूछा था तो लंबा एक्शन क्या है मैं पढ़ा रही थी तब ऋषि ने क्या किया बीच में सवाल पूछा. ठीक है तो लॉन्गर एक्शन के साथ क्या आता है पास्ट कंटिन्यूअस. बीच में जो शॉर्टर एक्शन होता है उसके साथ सिंपल पास्ट. ओके यस ऋषि. तो चलो मूविंग ऑन टू हमारे क्वेश्चन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही हैज रीच द स्टेशन. इधर क्या होना चाहिए. ओके तो यस तो ट्रेन जा चुका था है ना तो उसके आने के पहले तो पहले ट्रेन गया ये पहला एक्शन. ये बाद में हुआ दूसरा एक्शन तो इसमें क्या आना चाहिए व्हेन ही रीच द स्टेशन. तो गाइज मैं दोबारा आपको बता रही हूँ आपको टेंसेस डिटेल में पढ़ना तो अभी ऑप्शन है क्योंकि YouTube पे क्लासेस हो गया है अभी आप इसको फॉलो कर सकते हैं. टेंसेस का क्रैश कोर्स हो रहा है मेरे डे 3 है आज ऑन एन एकेडमी ऐप आज 7 PM तो आप प्लीज इसको क्या है फॉलो कर सकते हैं सेशन को. प्लस कल हमारे इंग्लिश क्रैश कोर्स में इस चैनल पे क्या होने वाला है कंजंक्शंस. तो प्लीज 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 रिवाइज एंड कम. थोड़ा बहुत रिवाइज करेगा तो आपको भी फायदा होगा इस टॉपिक रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. तो ये रहा हमारी चैनल MP360. इस नाम पे एक टेलीग्राम भी है आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. मेरा रेफरल कोड है HELN. आप में कोई सब्सक्रिप्शन लेना तो प्लीज यूज कर लीजिएगा. हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब यूट्यूब कमेंट्स जाते जाते प्लीज लाइक करके जाना. थैंक यू सो मच. यस अंशिका आज अन अकेडमी पे टेंसेस का सेशन हो रहा है ठीक है. वो जब तक वो क्रैश कोर्स कंप्लीट नहीं होता उसमें MCQs उसके बाद ही होगा.
7 o'clock अंशिका, ओके, थैंक यू।